सूर्य कुमार जी आपसे बात शुरू करूंगा। ये जितने भी सीपी, ज्वाइंट सीपी, डिप्टी सीपी और एडिशनल सीपी, जिस तरह भी नाम पदनाम है अलग अलग सैकड़ों की संख्या में, ये सब लोग क्या मतलब सिपाही को सस्पेंड करने की के काम के लिए हैं? क्योंकि हमने आज तक, एक सेकंड पहले सवाल सुन लो पूरा, हमने आज तक यही देखा जब भी कोई बड़ी घटना घटी, बहुत हाथ ऊपर तक गया तो इंस्पेक्टर तक गया। क्या मैंने नहीं सुना इलाहाबाद में घटना हुई तो 10-5 आईपीएस नाप दिए गए हो डीजी साहब ने? नहीं ना, यहां भी बोले जीवा मारा गया, बोले ठीक है, बोले 5-6 सिपाही निलंबित कर दो और रिलीज जारी कर दो, बोले तत्काल कार्रवाई कर दी। कि जीवा आ रहा है लखनऊ, इस बात की जानकारी तो सर्वोच्च स्तर पर पुलिस में होगी शुक्ला जी? नहीं, बताता हूं जी। जी जहां तक जीवा की बात है जी, तो जीवा आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 25-30 साल से बहुत कुख्यात अपराधी, शूटर किराए पर हत्या करने वाला, पूरा पब्लिक भी जानती है, पुलिस भी जानती है, लखनऊ जेल में बंद था। और उसके ऊपर एक दो नहीं, दर्जनों मुकदमे दिल्ली से लेकर के और प्रदेश के अन्य अन्य कई जिलों में चलते रहते हैं। और ये भी सही है कि इसको अग्निहोत्री जी एक दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि जो ये घटना हुई, चाहे अतीक अशरफ वाली हुई, चाहे ये जीवा वाली घटना हुई, तो दो तरह के लोग हैं। एक होता है कि कोई भला आदमी, साधारण। मैं सूर्य कुमार जी माफी चाहूंगा, आज मेरा विषय ना माफी, हम उस विषय पे जो आप जाए वहां नहीं जाना चाहते, कल चले गए, आज का आज नहीं जाएंगे, सॉरी आज नहीं जाएंगे, नहीं आज नहीं, आज सिर्फ विषय लेके आए हैं, मैं माफी चाहूंगा आज, तो फिर माफी चाहिए तो माफी ले लीजिए। आज सिर्फ ये विषय में लेके आया कि कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पुलिस के बड़े अधिकारी दंड के पात्र नहीं होते, सबसे छोटे से दंड शुरू होता है, मसला ये है आज सबसे बड़ा। कल इस पे मैं चर्चा कर चुका, जीवा का चरित्र क्या है कर चुका चर्चा, हाँ, कल एक घंटा मसले का जवाब। आज सिर्फ इतने पर बहस करेंगे जी, हाँ आप इतने पर बहस कर लीजिए कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जांच जब कोई होती है तो जिस स्तर की लापरवाही पाई जाती है अग्निहोत्री जी, उस स्तर पर दंड की कार्रवाई होती है। ठीक है शुक्ला जी, ठीक लीजिए, ठीक है, अभी रुकना होगा, बाकी सबको बहस मिले, अभी रुको बाकी को बहस मिले। पांडे जी मैं एक बात नहीं समझ पाया, ठीक अभी रुको भाई शुक्ला जी, पांडे जी मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि बड़ा अपराधी मूव कर रहा है, कचहरी में आएगा, जज साहब का भी जान खतरे में है, वो तो भला था जज साहब नहीं बैठे थे, नहीं वो मतलब उनके भी गोली लगती, ठीक, इसकी जानकारी केवल सिपाहियों तक रहती कि भाई चार सिपाही हैं, तुम ही लोग निपटा देना, जीवा को, अतीक को, मुख्तार को, इनका आना जाना है, बड़े लोग कहाँ, बोले वो लोग मीटिंग में पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं, व्यस्त हैं, नहीं अब व्हाट्सएप देख किसे खेल रहे हैं ना पांडे जी, ऐसा तो मैं तो नहीं मान सकता, गंगा में खड़े होकर कहें सब लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता। जीवा का मूवमेंट, जीवा की पेशी की सूचना तो पुलिस में टॉप लेवल से नीचे तक आई होगी, बाकी लोग कहां थे, जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं फिक्स हो रही पांडे जी? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जी कि कोर्ट में इस तरह की फायरिंग की घटना कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, कई बार हुआ, और जब जब भी हुआ तो इसी तरह से ये बड़ी बड़ी चुनौती हुई कि न्यायालय में जहाँ की शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को आने और जाने और न्याय पाने का अधिकार है, वहां लोग डर के आवे और वो लोग वहां हत्या हो, तो इससे बड़ा बदनामी तो किसी भी व्यवस्था की, जो खास करके लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की, इससे बड़ी कोई बदनामी तो ही नहीं सकती है, क्योंकि न्यायालय में तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ की सबको निर्भीकता से आना चाहिए और बिल्कुल न्याय के लिए अपनी बात कहनी चाहिए। अब जब जब भी हुआ उसके बाद इन लोगों ने जब अब सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, कल हत्या हो गई, अब 6 महीने तक लोगों को इतना परेशान किया जाएगा कि यार कचहरी में जाना लोग बंद कर देंगे, तो हमेशा यही होता है। इसीलिए कुछ साल पहले एक सिविल कोर्ट फोर्स तैयार की गई और सिविल कोर्ट फोर्स तैयार करके वो उसके लिए ऑर्डिनेंस आया हुआ है, कानून बना है, हर न्यायालयों में सिविल कोर्ट फोर्स है और उसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, कौन अधिकारी है उसके जिम्मेदार है।
अब आप वो सिविल कोड फोर्स का नीचे से लेकर ऊपर तक तो जिम्मेदार होगा कि नहीं कुछ होना होगा। जैसे बार बार आप ये बात सवाल उठ रही है कि केवल वो सिविल कोड फोर्स जो काम हुआ कर रही है, तो क्या वो उसी केवल उसी सिपाही के द्वारा, खाली सिपाही है उसके लिए जिम्मेदार? दूसरी बात, जेल से आने और यहाँ तक लाने के लिए सुरक्षा उसका आपने हाई सिक्योरिटी लगा रखी है, फिर कोर्ट में आने के लिए उसकी सुरक्षा अगर आपने न्यायालय में हैंड ओवर किया तो वो जो सिक्योरिटी के क्या कोई प्रोटोकॉल होंगे? निश्चित रूप से प्रोटोकॉल होंगे, तभी तो जेल से लाने के लिए उसको आपने इतनी बड़ी सुरक्षा दे रखी। तो हर आदमी के, हर व्यक्ति के सुरक्षा का प्रोटोकॉल, ये सवाल नहीं है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था इसलिए मारा गया, बहुत बड़ा ये अपराधी था मारा गया, बड़ा अच्छा हुआ, ये सवाल इस सवाल ये है कि आपने ही एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल उसके लिए तय किया था और उस सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के बावजूद भी वो कोर्ट में जज साहब के सामने मारा गया, तो इससे बड़ा फेल्यूर क्या हो सकता है सिस्टम का, खास करके पुलिस सिस्टम का? तो ये और इससे लोगों को न्यायालय के प्रति विश्वास, ये सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रति बहुत घोर अविश्वास पैदा होता है। और इसलिए ये मैं नहीं समझता कि इसके लिए आप नीचे से ऊपर तक लोगों को जब तक दंडित नहीं करेंगे तो ये कोई आप इस ठीक पांडे जी, मैं कपिल जी के पास चलूं, उससे पहले फिर बहस को और क्रिस्प कर दूं, खूंटे से बांध दूं ताकि बहस भागे नहीं। मैं आज किसी और विषय पर चर्चा नहीं करें, एक घंटा कल कर चुका सारे पहलुओं पर चर्चा, आज सिर्फ चर्चा करने आया उमेश पाल मारा गया, आईपीएस दंडित क्यों नहीं हुए? जज साहब ने कहा कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक शब्द है, उस शब्द को जब हम चेहरा देते हैं तो अधिकारियों के चेहरे आते हैं कि सिपाही के आते हैं? किसी बात हो रही, सिपाही का चेहरा आता जब हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जब हम बोलते हैं जुडिशरी तो पेशकार का चेहरा आता है क्या मेरे सामने? नहीं ना। इसलिए ये दाएं बाएं भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उमेश पाल की हत्या के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, 5-7 जिम्मेदार बड़े अधिकारी नाप दिए गए होते तो शायद व्यवस्था दुरुस्त होती। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, संजीव जीवा। मैं आज इस पर बहस ही नहीं करने आया कि जीवा कितना कुख्यात था, जीवा ने अपने जीवन का जो पहला बड़ा कांड किया था वो मेरे ही गृह जनपद में किया था, मैं सब जानता हूं पूरी कहानी, मुझे गूगल की जरूरत नहीं, लेकिन वो बहस ही नहीं आज करने आया, कर दी कल। आज बहस करने ही आया कि जीवा क्या गिरहकट था कपीश जी, या मोबाइल चोरी में पकड़ा गया था कि जिसको सिपाहियों से कहा भाई तुम लोग निपटवा देना, हम लोग बड़े लोग हैं कहां जाएंगे? नहीं, शासन को पता था, डीजीपी साहब को पता होगा, एडीजी साहब को पता होगा और जितने सीपी हैं छोटे बड़े सबको पता होगा, नहीं कि जीवा की पेशी करानी है। अतीक जब आया था तो सब लोग टोपे खड़े थे ना, कितनी गाड़ियां गई थी बुलेट प्रूफ, क्यों? दो सिपाही भेज देते और रस्सी दे देते उनको बोले बांध के ले आना। कपीश जी, क्या सिपाहियों को दंडित करने से बात बनेगी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि चूंकि मैं पेशे से एक वकील भी हूं और क्रिमिनल ही ट्रायल प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए इसकी सारी बारीकियों से वाकिफ हूं। सेशन कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए सेशन कोर्ट के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं और कहां कहां पोस्ट की जाती है पुलिस, वो भी मुझे पता है। जज साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने सार में अपनी सारी बातें कह दी। देखिए, जब कोई डेट पड़ती है तो उस डेट में अभियोजन अधिकारी जो हमारे यहाँ एडीजीसी होता है या डीजीसी अगर इनके यहाँ सेशन में हो या ऊपर हो के अदालतों में, तो वहां पे जब डेट नोट होती है तो वो तो जिला अधिकारी से लेकर के हर तक जाती है, वो सूचित करता है जिला अधिकारी को। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सारी पुलिस अथॉरिटीज को इस बात की भी जानकारी होती है, प्रशासन को भी इस बात की जानकारी होती है, हायर अथॉरिटीज को भी इस बात की जानकारी होती है कि अमुक अमुक केस में अमुक अमुक डेट है, अमुक अमुक डेट पे कुल जो है वो माने न्यायालय के समक्ष रिमांड पर ही नहीं आना है, ये तो पहले ही से तय है कि उस डेट पे आए। अब बात इस बात की रह गई कि सिविल कोर्ट के परिसर के अंदर यह जघन्य अपराध हुआ है जिसको इतने हल्के तौर पर हमारे पूर्व एक्स डीजीपी जो हैं वो ले रहे हैं। भाई सबसे पहली चीज कानून व्यवस्था है, किसी अपराधी की मौत और व्यक्ति की मौत में अंतर होता है। अपराधी की मौत अगर फांसी पे चढ़ के हो रही हो तो हम समझते हैं कि सभ्य समाज में
जी देंगे, जो भी पत्रावली पे साक्ष्य आएगा उसका मूल्यांकन करेंगे, वो परिशीलन करेंगे, लेकिन वो काम डीजीपी साहब नहीं करेंगे ना, डीजी यूपी साहब जो कह रहे थे जिस तरीके से। ये खुलेआम मैं जानता था कि आपकी आदत है कि आप कुछ बोलेंगे जरूर, हमें समझ में नहीं आता है कि ये पुलिस वालों को क्या क्या संविधान पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। इनको अपने संविधान के साथ साथ इनको जो है प्रिविडेंस एक्ट और सीआरपीसी पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, इनको क्या आईपीसी के तहत अन्य कानून पढ़ाए जाते हैं कि नहीं पढ़ाए जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह को भी बहस में ले आऊं, तब दूसरा चरण शुरू करूंगा। राघवेंद्र जी मेरा सवाल फिर वही, दोनों लोगों की आवाज रोकिए अभी। राघवेंद्र जी मेरा सवाल बहुत छोटा है आज, लंबी कहानी नहीं, ठीक, और किसी को भी विषय को भटकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस निवेदन के साथ मेरा प्रश्न है, जो कपीश जी बता रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया छोड़ो, प्रैक्टिकल बात यह है उत्तर प्रदेश में, जो मैं जानता हूं अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, कि 61 लोगों की लिस्ट बनी, ठीक, उनकी टोटल मॉनिटरिंग टॉप से हो रही है सिग्नेचर बिल्डिंग से, ठीक, उसमें कोई दरोगा सिपाही की भूमिका नहीं, ठीक, बड़े वाले को सब पता है, उसमें शायद अब 54 रह गए, बाकी निपट लिए, उनके मूवमेंट में सिपाही को निलंबित कर देंगे तो बाकी लोग किस लिए रखे हैं? भाई हमने जो तमाम सीपी, ज्वाइंट सीपी, डिप्टी सीपी, फलान ढिकान जो रखे हैं साहब लोग, वो किस लिए रखे हैं? एसी में ठंडे में बैठने के लिए, और एक गिरहकट पकड़ ले कोई सिपाही तो सिपाही से कहो तुम पीछे रहो, एएनआई बुलाओ, हम बैठ देंगे, बोले कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की, गिरहकट पकड़ा गया, नहीं, इस काम के लिए रखा है?